हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द स्क्रीन पिक्चर में। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अभी मेरे हाथ में जो फ़ोन है वो OnePlus 11 है, जिसका फ्रंट ग्लास बहुत ही बुरी तरीके से क्रैक है, वो भी लेंस के पास से। तो आज हम इसका ग्लास चेंज करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए और सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही हम इसका ओपन करते हैं, ताकि बाद में कस्टमर अपने को ये नहीं बोले कि भैया इसमें ये दिक्कत है या ये है। तो सबसे पहले हम इसका बैक ग्लास निकालेंगे। तो बैक ग्लास आप देख पा रहे होंगे कि मैं किस तरीके से निकाल रहा हूँ। ये वीडियो अभी 2x स्पीड पे चल रहा है। दोस्तों, अगर आपको भी आपका कोई सा भी फ़ोन से रिपेयर करवाना है तो आप कूरियर कर सकते हैं, और यदि आप इंदौर या फिर इंदौर के आसपास के हैं तो आप शॉप पे भी डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया कूरियर सर्विस हमारे पास अवेलेबल है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने बैक ग्लास किस तरीके से निकाला है, और अब हम इसके सारे स्क्रू और इसके सारे पार्ट्स हम निकाल के सेफ तरीके से एक बॉक्स के अंदर रख देंगे, ताकि कैमरे पे किसी भी तरीके का डस्ट वगैरह ना आए। तो आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले के सारे स्क्रू निकाल लिए हैं, और अब जो इसके ऊपर की शीट रहती है मदरबोर्ड के ऊपर, वो निकाला है। और आप देख पा रहे होंगे कि मैंने सारे स्क्रू धीरे धीरे करके सारे निकाल लिए हैं, और ये इस तरीके का ब्रोकन हुआ है कोने से। तो एक बार वापस से इसके सारे टच वगैरह चेक करने के बाद सारे पार्ट्स एक बॉक्स में रख दिए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि बैटरी मैंने निकाली बहुत ही सेफ तरीके से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है अपने को। और इसके सारे पत्ते वगैरह अलग करके मदरबोर्ड को भी निकाल के और सेफ तरीके से रखना है, ताकि कोई भी डैमेज या फिर कोई डस्ट वगैरह इसके कैमरों पे ना आए, क्योंकि कैमरे इसके बहुत ही महंगे हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने सारे पार्ट्स निकाल के एक डब्बे के अंदर रख दिए हैं, ताकि कैमरे वगैरह में डस्ट नहीं जाए और कोई भी तरीके की मदरबोर्ड में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए उसको सेफ तरीके से रख दिया है। और अब हम डिस्प्ले को मशीन में सेट करेंगे कटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मशीन में का टेम्परेचर सेट करते हैं, टेम्परेचर वगैरह सब सेट करके, और अब वाइड चलाने के लिए हमें इसमें जगह बनाना पड़ेगी, क्योंकि कर्व डिस्प्ले है, कर्व डिस्प्ले में जगह तो रहती नहीं है। तो अपने को दोनों साइड के कोनों को थोड़ा थोड़ा सा काटना पड़ेगा, ताकि वायर इसके अंदर चल सके। तो आप देख पा रहे होगे मैंने किस तरीके से कोनों को कट किया है, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, अब मैं आईपी का यूज़ कर रहा हूँ, के जो इसमें एक रबड़ रहती है डिस्प्ले और फ्रेम के बीच में, ताकि वो थोड़ा फूल जाए और वो आसानी से निकल जाए। और जो हमने अभी कट किए हैं ग्लास को, तो वो वाले पीसेस के अंदर भी अगर आईपी चला जाता है तो इसके अंदर जो ओसी रहती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, ताकि हमको वायर चलाने में आसानी हो। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने ग्लास कट किए थे, अब उसको मैंने निकाला है, और आप देखते रहिए कि मैं किस तरीके से उन पीसेस को निकाल रहा हूँ आईपी की सहायता से। और फिर इसमें हम वायर चलाएंगे थोड़ी सी जगह बनाने के बाद, तो आप वीडियो में बने रहिए।
दोस्तों मैं कटिंग के लिए 0.2 mm का वायर यूज कर रहा हूँ। और आप देख ही पा रहे होंगे कि मैं किस तरीके से वायर को ग्लास के अंदर एंटर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने एक साइड से हल्का सा ग्लास कटिंग कर लिया है और अब हमें दूसरे साइड से भी जगह प्रॉपर वैसे ही बनाना है ताकि वी शेप में ग्लास की कटिंग हो पाए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने दूसरे साइड से भी जगह बना लिया है और वी शेप में ग्लास की कटिंग चालू कर दी है। और यहाँ से अब हमको थोड़ा से सावधानी से कटिंग करना है। आप वीडियो तो 2x की तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मैं किस तरीके से वायर चला रहा हूँ और किस तरीके से वायर एंटर किया है और किस तरीके से वायर को एग्जिट करना है। तो सारी चीज़ें आप वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए देखते रहिए मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ। अगर आपको भी अपना कोई सा भी फ़ोन मुझसे रिपेयर कराना है तो आप हमें कुरियर भी कर सकते हैं और अगर आप शॉप पे विज़िट करना चाहें तो आप शॉप पे भी विज़िट कर सकते हैं। एड्रेस और फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आप उनको कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अगर आप विज़िट करना चाहें तो आप विज़िट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मैं किस तरीके से वायर चला रहा हूँ, किस तरीके से वायर को खींच रहा हूँ और बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाती है इसकी। बस थोड़ा सा शांति रख के काम करें तो अच्छे से काम हो जाता है, कोई किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता है और जहाँ आपने ज़ोर ज़बरदस्ती किया तो वहीं डिस्प्ले ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
दोस्तों आपने जैसे कि देख पा रहे होंगे कि गिलास लगभग सारा कट चुका है, और जहाँ से गिलास क्रैक है वहाँ से थोड़ा सा ध्यान रख के कटिंग करना पड़ेगा ताकि हमारे डिस्प्ले में किसी भी तरीके की लाइन या डॉट ना आए। तो वहाँ से थोड़ा सा सावधानी से कटिंग करना पड़ेगा। तो आप देखते रहिए कि मैं किस तरीके से वायर को एंटर और किस तरीके से वायर को एग्जिट कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपने देखा होगा कि ग्लास मैंने पूरे तरीके से कट कर लिया है, और जो ब्रोकन ग्लास था वो मैं निकाल लिया है। जो इसमें बचे हुए छोटे छोटे जो पीसेस हैं जहाँ से ज़्यादा हमारा डैमेज था, तो उसको थोड़ा सावधानी से निकालना पड़ेगा ताकि हमारी डिस्प्ले डैमेज ना हो जाए। तो आप देखते रहिए कि मैं किस तरीके से ये ब्रोकन पीसेस निकालता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने सारे पीसेस हटा दिए हैं और अब हमें फाइनली डिस्प्ले को साफ करना है। तो इसमें मैं फेलकॉन 530 का यूज़ कर रहा हूँ साफ करने के लिए, क्योंकि ग्लू तो इसमें बचा ही नहीं था बिल्कुल भी। तो हम इसको फाइनली इसको क्लीन करेंगे और फिर इसको हम फ्रेम से बाहर करेंगे। तो दोस्तों साफ करने के बाद एक बार डिस्प्ले को भी चेक कर लेते हैं कि हमारे डिस्प्ले कोई डैमेज वगैरह तो नहीं हो गई, लाइन वगैरह तो नहीं हुई। तो फाइनली डिस्प्ले हमारी चालू हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले में किसी भी तरीके का कोई भी लाइन नहीं है, कोई भी डैमेज नहीं हुई है हमारे डिस्प्ले। तो फाइनली हम इसको क्लीन करेंगे और फिर इसको हम डिस्प्ले को फ्रेम से बाहर करेंगे पूरा टच वगैरह चेक करने के बाद। तो दोस्तों डिस्प्ले हमारी पूरी तरीके से ठीक है और टच भी इसका प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे। और ये है वन प्लस का 11 5G। तो अब हम डिस्प्ले को फ्रेम से बाहर करने की प्रोसेस करेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों डिस्प्ले को फ्रेम से निकालने के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं वो OCA का वेस्ट पेपर और IP का यूज़ करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं किस तरीके से OCA के वेस्ट पेपर को डिस्प्ले के पीछे वाले साइड से डाल रहा हूँ, जहाँ पे एक ब्लैक कलर की गैस किट होती है। तो
दोस्तों ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा शांति से और सावधानी से करें तो अच्छा रहता है, नहीं तो कई बार क्या रहता है कि डिस्प्ले और जो इसके पीछे जो शीट रहती है उसके बीच में अगर पेपर चला जाता है तो डिस्प्ले डैमेज हो जाती है। तो हम दोस्तों सावधानी से काम करेंगे ताकि हमारी डिस्प्ले किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मैं किस तरीके से डिस्प्ले को फ्रेम के बाहर निकाल रहा हूँ। तो ये वीडियो अभी 2x स्पीड में है। तो दोस्तों अभी ये जो प्रोसेस है बहुत ही सावधानी से करना रहती है और बहुत ही स्लो प्रोसेस रहता है। तो वीडियो तो अभी 2x स्पीड में है। तो दोस्तों फाइनली हमारी डिस्प्ले फ्रेम से आउट हो चुकी है और अभी हम इसके पीछे की जो काले कलर की गैसकेट होती है पहले हम गैसकेट को साफ करेंगे, क्योंकि ये अगर इसको साफ नहीं करेंगे दोस्तों तो पंचिंग में डिस्प्ले खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहले हम ये गैसकेट को साफ करेंगे फिर डिस्प्ले को चेक करेंगे कि हमारी डिस्प्ले कहीं भी डैमेज तो नहीं हुई है। तो दोस्तों फाइनली हमने हमारे डिस्प्ले को पूरी तरीके से फाइनल लेयर में क्लियर कर लिया है। इसका बैक साइड भी हमको साफ करना पड़ेगा ताकि इसमें कोई भी कांच के पीसेस ना हो कि पंचिंग में हमारी डिस्प्ले डैमेज हो जाए। तो ये सारी चीज करने के बाद फिर हम आपको चेक कराएंगे डिस्प्ले को कि डिस्प्ले हमारी ओके है निकालने के बाद भी। तो आप देखते रहिए। तो दोस्तों अब डिस्प्ले को चेक कर रहे हैं हम कि डिस्प्ले पे कोई किसी भी तरीके की कोई लाइन वगैरह तो नहीं है और इसका टच प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों टच इसका पूरे तरीके से वर्क कर रहा है और अब हम इस पे नए वाले ग्लास को पंच करेंगे।
दोस्तों फाइनली हम नए गिलास की पंचिंग करने के लिए सबसे पहले गिलास को मेज किया। हाँ कि गिलास प्रॉपर तरीके से है और इसकी अलाइनमेंट हम कैमरे के हॉल से करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने किस तरीके से हाथ से ही डिस्प्ले को अलाइनमेंट किया है और अब हम इसको पंचिंग के लिए रखेंगे। तो आप देखते रहिए कि किस तरीके से पंचिंग होगी और पंचिंग के बाद भी हम डिस्प्ले को चेक करेंगे कि डिस्प्ले पे किसी भी तरीके की कोई लाइन या फिर डिस्प्ले ब्लैंक, बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार क्या रहता है कि पंचिंग का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से डिस्प्ले भी ख़राब हो सकती है हमारी। तो अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, कितनी डिस्प्ले बना दी है। तो आप देखते रहिए और अभी हम डिस्प्ले पंचिंग करने के बाद भी हम डिस्प्ले आपको चेक कराएंगे, प्रॉपर तरीके से टच भी चला के चेक कराएंगे। तो दोस्तों डिस्प्ले हमारी पंच हो चुकी है, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें हल्के फुल्के बबल हैं, ये तो आसानी से चले जाते हैं बबल रिमूवर में। तो आप देखिए कि डिस्प्ले पे किसी भी तरीके का कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, हमारी पंचिंग अच्छे से हुई है। और इसमें जो छोटे छोटे जो बबल्स हैं वो तो बबल रिमूवर में 10 से 20 मिनट में रख देंगे तो ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। और टच भी इसका प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई भी लिक्विड डैमेज या फिर किसी भी तरीके की लाइन वगैरह नहीं आई है। तो अब हम इसको बबल रिमूवर में रखेंगे 20 मिनट के लिए और फिर उसके बाद इसकी फिनिशिंग चेक कराता हूँ। दोस्तों 20 मिनट के बाद फिनिशिंग इसकी क्या आती है। तो दोस्तों फाइनली हमारी डिस्प्ले हो चुकी है कंप्लीट और अब हम इसकी फिनिशिंग चेक करेंगे कि फिनिशिंग कैसी आती है। 23 मिनट में निकाला है तो देखिए दोस्तों इसमें किसी भी तरीके के बबल्स वगैरह नहीं है। तो दोस्तों हमारी डिस्प्ले फाइनली कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम फ्रेम में सारे पार्ट्स को फिक्स करेंगे, फिर उसके बाद फोल्डर को फ्रेम में फिक्स करके फिर उसके बाद हम सारी चीज़ों को चेक करेंगे कि प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों सारे पार्ट्स इसके लगा दिए हैं और अब हमने फ़ोन को चालू किया है। तो फ़ोन फाइनली हमारा चालू हो चुका है और इसमें किसी भी तरीके की लाइन वगैरह कुछ भी नहीं है, हमारा फ़ोन हो चुका है कंप्लीट। और इसमें
1 से 2 घंटे का ये टेपिंग का प्रोसेस रहता है। तो ये होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, इसके ग्लू वगैरह साफ करने के बाद हम ये फोन कस्टमर के हाथ में दे देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जाके बता दीजिएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।